हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई हैव कम विथ माई 18th लेक्चर वीडियो विच बिलोंग्स टू हिस्ट्री चैप्टर 3। द नेम ऑफ द हेडलाइन ऑफ दिस चैप्टर इज द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एट फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। What do you mean by Indian subcontinent? India, China, Nepal, Bhutan, Afghanistan, these all countries make together form Indian subcontinent. तो भारतीय प्रायद्वीप का सर्वप्रथम नगर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। Now the headline of this topic, the first civilization was known as Indus Valley civilization. Indus Valley civilization means Sindhu Ghati ki sabhyata. Indus Valley civilization was the first major civilization in South Asia, which spread across a vast area of land in present day India and Pakistan. Sindhu Ghati ki sabhyata pratham sabhyata thi South Asia ki, jo India aur Pakistan ke vast field mein phaili hui thi. It began nearly 4,700 years ago on the bank of river Indus. Indus Valley civilization ki shuruaat 4,700 years pehle Sindhu nadi ke ghati par hui thi and was discovered around 1920. It is also known as Harappan civilization after Harappa, the first of its site to be excavated. आज से 4,700 years ago जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसके बारे में हाल में 1920 में इतिहासज्ञों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसे खोज निकाला और उस खोज के दरमियान एक घाटी हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक हड़प्पा शहर का खोज उसने किया, जिस खोज के आधार पर इंडस सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला शहर हड़प्पन सिविलाइजेशन था जिसका खोज इतिहासज्ञों ने किया। Among the settlements were major urban centers of Harappa and Mohenjo-daro, as well as Dholvira, Ganveriwala, Lothal and Rakhigarhi. प्राचीन नगरीय सभ्यता का पहला आवास सेटलमेंट जो था, शहरी सेटलमेंट जो था, उसका केंद्र था हड़प्पा, मोहनजोदारो और ठीक वैसे ही धोलवीरा, गनवेरीवाला, लोथल और राखीगढ़ी। दीज आर द साइट्स वेयर सिटीज वेयर सिचुएटेड। At its peak, the Indus Valley civilization may have had a population of well over 5 million. इस civilization का जब अपने शीर्ष पे था उस समय तक Indus Valley civilization की जनसंख्या लगभग 5 million से ऊपर थी। Now let us study about the town planning of Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाउन प्लानिंग था, आज के जो
साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में जैसे हम विकसित साइंस और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर बेहतरीन घर इमारतें और सिटीज को सिचुएटेड कर एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही उस समय भी आज से 100 वर्ष पहले भी टाउन प्लानिंग उस समय के आर्किटेक्ट लोग किया करते थे, जिसमें उन्होंने बनाया एक सीटाडेल। सीटाडेल वर्ड यू फर्स्ट नो अबाउट सीटाडेल, दिस सिविलाइजेशन फीचर्ड प्लान्ड सिटीज। ये सिविलाइजेशन जो था, वे ऑफ लिविंग जो थी, वह प्लान्ड सिटीज था, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बसाया हुआ सिटीज था, विच वेयर बिल्ट अकॉर्डिंग टू ए डिजाइन, जिसको डिजाइनिंग करके बनाया गया था। जैसे आधुनिक युग में चंडीगढ़ को वेल प्लान मैनर में स्थापित किया गया है, ठीक वैसे ही आज से 4700 वर्ष पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी स्थापित किया गया था। आर्किटेक्ट्स सराउंडेड दीज सिटीज विथ हेवी बेक्ड ब्रिक प्रोटेक्टिव वॉल। उस समय के इंजीनियर्स इस सिटीज के चारों तरफ से पकी हुई ईंट से एक वाल चारों तरफ से बना दिया था, घेराबंदी कर दिया गया था। दे वेयर लेड इन एन इंटरलॉकिंग टेक्निक विच मेड द वाल स्ट्रॉन्गर। उस समय उन लोगों ने इंटरलॉकिंग टेक्निक के आधार पर ब्रिक्स को बैठाया था, जिसकी वजह से उसके दीवार काफी मजबूत थे। मेनी ऑफ द सिटीज वेयर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अधिकांश शहर दो भागों में बांटा हुआ था। सेक्शन ऑफ द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हायर, दीज आर कॉल्ड सिटाडेल। दीज इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर को दो सेक्शन में बांटा गया, उसमें वेस्ट वाला जो पार्ट था वह अपेक्षाकृत छोटा परंतु अपने सराउंडिंग से थोड़ा ऊंचा टेबल लैंड की तरह था। दीज आर कॉल्ड सिटाडेल बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। उस ऊंचे उठे हुए चबूतरे पर बने हुए घरों को उस लोगों ने सिटाडेल नाम दिया। वेयर एज द ईस्ट सेक्शन वाज कॉल्ड लोअर टाउन, और उस ईस्ट के बाद वेस्ट वाले साइड का जो एरिया था वह अपेक्षाकृत नीचा था और उसे उन लोगों ने नाम दिया लोअर टाउन। इट वाज लार्जर बट लोअर, यह बड़ा था, इसका एरिया बहुत था परंतु यह लोअर था। लोअर मींस सी लेवल से कम ऊंचाई पर था। इट मींस सिटाडेल वह एरिया था जहां पे उस समय के प्रीस्ट, उस समय के राजा निवास करते थे, और लोअर टाउन जो था वहां की उस एरियाज में उस समय की आम जनता निवास करते। द आर्कियोलॉजिस्ट हैड इन्वेंटेड द ग्रेट बाथ। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द ग्रेट बाथ। वन ऑफ द मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द ग्रेट बाथ, सिचुएटेड ऑन द सिटाडेल। इस सिटाडेल वेस्टर्न साइड में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर बसे हुए एरियाज में एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था ग्रेट बाथ। इट इज द अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक इन द एंशियंट वर्ल्ड। प्राचीन संसार में यह आम जनता के लिए वाटर टैंक एक तालाब के रूप में था। इट इज लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक सराउंडेड बाई कॉरिडोर ऑन ऑल फोर साइड्स। यह
ग्रेट बाथ आयताकार तालाब की तरह था, जिसमें चार और चारों साइड से उसमें स्टेप्स लगे हुए थे, सीढ़ी बनाई गई थी स्टेप्स ऑन नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग टू द टैंक, जो सीढ़ी उसे उस टैंक तक ले जाती थी। द टैंक इज वाटर टाइट ड्यू टू फाइनली फिटेड ब्रिक लेड ऑन एज विथ प्लास्टर। और उस टैंक को वाटर था जिसमें द यूनिक स्ट्रक्चर एज वेल एज द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड हैज लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट दैट इट वॉज मीट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ। ये अनोखा यूनिक स्ट्रक्चर और उसमें मिले हुए अन्य सामग्री जो स्कॉलर्स को प्राप्त हुए, उसके आधार पर वो सारी चीज़ें स्कॉलर्स को यह एडवाइस करती हैं, सजेस्ट करती हैं कि ये पॉन्ड कुछ खास रीति रिवाज को परफॉर्म करने के लिए किसी खास अवसर पर होली बाथ के लिए इसका यूज लोग किया करते थे। इलाबोरेट स्टोर हाउसेज हैव बीन फाउंड इन हरप्पा लोथल एंड मोहनजोदड़ो। कुछ ऊंचाई पर स्थित संग्रहालय स्टोर हाउस, जिसे गोदाम कह सकते हैं, पाया गया है हरप्पा में, लोथल में और मोहनजोदड़ो में। देयर आर ऑल्सो एविडेंसेज ऑफ फायर अल्टार्स। उस समय के कुछ फायर अल्टार्स के भी साक्ष्य मिले हैं विच आर फाउंड इन द साइट लाइक लोथल एंड कालीबागान। जो आग का जो अल्टार मिला है जिस वह लोथल और कालीबागान जैसे साइट पर मिले हैं। साइट वह स्थल, उस स्थल को कहते हैं जहाँ ये ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी। नाउ आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस द हाउसेज ड्रेन्स एंड स्ट्रीट ऑफ द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वेयर फाउंड इन कालीबागान लोथल इटीसी। The houses, drains and streets were made of burnt brick of uniform ratio in a grind system. पके हुए ईंट से एक बराबर अनुपात में ईंट से बने हुए वो houses थे, drain थे। They were usually single or two stories high and rooms were also built around a central courtyard. केंद्रीय कोर्टयार्ड के चारों ओर हाउसेज वेयर मेड ऑफ बर्न्ट ब्रिक ऑफ यूनिफॉर्म रेशियो इन द ग्राइंड सिस्टम। दे वेयर यूजुअली सिंगल और टू स्टोरीज हाई। वे एक मंजिल या दो मंजिल तक की इमारतें होती थी। एंड रूम्स वेयर ऑल्सो ब्यूल्ट अराउंड ए सेंट्रल कोर्ट यार्ड। और सेंट्रल कोर्ट यार्ड के चारों तरफ गलियारा बीच में और उसके चारों तरफ से रूम बनाए जाते थे। एवरी हाउस कंसिस्टेड ऑफ ए सेपरेट बाथिंग एरियाज। प्रत्येक घर में स्नान करने का एरियाज था एंड हैड वेल्स फॉर वाटर सप्लाई। और वाटर सप्लाई के लिए वहाँ कुएं भी खोदे हुए थे। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर द स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। आउटस्टैंडिंग फीचर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का कि वे लोग
ये स्ट्रीट जो बनाए थे और जो नाला का सिस्टम था ये उत्कृष्ट था। द स्ट्रीट कॉट ईच अदर एट द राइट एंगल, प्रत्येक गली एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटता। बर्नड ब्रिक्स वेयर यूज टू मेक ड्रेन्स, नाला बनाने के लिए पके ईंट का व्यवस्था किया गया था। द ड्रेन्स इन द हाउसेज वेयर ज्वाइंट विद द स्ट्रीट ड्रेन्स, घर का जो नाला था उसे गली के नाले से ज्वाइन कर दिया गया था। एंड देन इट लेड टू द बिगर वंस, और वह नाला इस गली का नाला एक बड़े नाले में जाकर ज्वाइन होता था। द ड्रेन वेयर कवर्ड विथ ब्रिक्स और लार्ज स्टोन्स, और उन नालों के ऊपर ईंट से ढका हुआ होता था या स्लैब से, स्टोन के स्लैब से ढका हुआ होता था, विच मेड इट इजियर फॉर क्लीनिंग, जिसकी वजह से वे उस नाले की सफाई बेहतरीन ढंग से कर सकते थे। हम सोच सकते हैं कि आज से 4500 वर्ष पहले भी लोग जल निकासी के लिए कैसे ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था लोगों ने की थी। दैट्स ऑल इज एक्सप्लेन्ड इन नेक्स्ट पिक्चर वीडियो नंबर 19। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।